हम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं उसके आधार पे वो सिचुएशन बन सकती है या बिगड़ सकती है, और इस आर्ट को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। हाय, मैं हूँ मृगांका, आप देख रहे हैं स्लैब। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल एम्पावरमेंट की, और साथ ही जानेंगे कि कैसे हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को रेज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ी है, और अब तक ये 12,000 से ज्यादा लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस पर कोच कर चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मृगांका। तो इनसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे टिप्स लेंगे, लेकिन पहले एक सवाल आपके लिए, क्या आप अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट मानते हैं? तो एक लिस्ट बनाइए, हाउ मेनी इमोशंस कैन यू थिंक ऑफ। चलिए मैं भी अपनी लिस्ट बनाती हूँ। तो हैप्पी, सैड, एंग्री, होपफुल, डिसअपॉइंटेड, रियली रियली एंग्री, रेज, द वर्ड इज रेज। तो देखिए, नाम करना और लेबल करना भी कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी लिस्ट कितनी लंबी है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि अकेले अंग्रेजी भाषा में 4,000 वर्ड्स हैं जो इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम नाम भी नहीं दे पाते, उनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो अंग्रेजी भाषा अकेले में ही कोई 3,000 से 4,000 शब्द हैं जो अलग अलग इमोशंस को दर्शाते हैं, राइट? और अगर आप इसमें हिंदी और उर्दू और बाकी लैंग्वेजेस को भी अगर शामिल कर लें, तो आई थिंक बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बहुत अलग अलग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इमोशंस को दर्शाता है। यू नो, बीइंग एबल टू नेम द इमोशंस दैट वी आर फीलिंग, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक्चुअली पहला पड़ाव है। और हमें जो न्यूरो साइंटिस्ट है वो हमें बताते हैं कि अगर हम सिर्फ किसी भी सिचुएशन में ये अपने इमोशंस को नेम कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो जो इमोशनल ब्रेन होती है या लिम्बिक ब्रेन जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ी सी शांत हो जाती है, और हमारी जो थिंकिंग ब्रेन है वो ऑनलाइन आ जाती है। नहीं तो जब हम बहुत स्ट्रांग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी जो थिंकिंग ब्रेन होती है वो ऑफलाइन चली जाती है। सो जस्ट द एक्ट ऑफ नेमिंग, what am I feeling? I'm feeling sad, I'm feeling hurt, I'm feeling disappointed, I'm feeling angry. सिर्फ अपने emotions को name कर पाना जो है वो सबसे पहला कदम है emotional intelligence की तरफ। तो मतलब क्या जरूरत है emotions की, इनका क्या purpose होता है? वो एक gift है जो हमें भगवान ने दिया है, और बहुत ही एक important gift है। क्यों? इसको समझने के लिए हम एक example ले सकते हैं कि आप फर्ज कीजिए कि अगर आप एक जंगल में हों और एकदम से आपके सामने एक भूखा शेर आ जाए, तो आप क्या महसूस करेंगे? अगर मेरे पाँव ने मेरा साथ दिया तो मैं वहां से भागूंगी, फाइट तो डेफिनेटली नहीं करूंगी। तो ये डर आपको क्या बता रहा है? डर कह रहा है कि डेंजर है, राइट? सो ये डर आपको कह रहा है कि आपकी जो लाइफ है वो रिस्क पे है, राइट? और कुछ करिए इसके बारे में। ये इसे कहते हैं फाइट या फ्ली मोड, और इसमें एक फ्रीज मोड भी आ जाता है। तो फाइट, फ्रीज या फ्ली रिफ्लेक्स जो है, ये हमने मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन से ये हमने इनहेरिट किया है। लेकिन होता ये है कि अब हम जंगलों में नहीं रहते, लेकिन ये सेम रिफ्लेक्सेस जो हैं, ये एक्चुअली दीज रिफ्लेक्सेस आर दे कम इन टू प्लेस अगर कोई हमारे सामने खड़ा हुआ है और हमसे बहुत जोर के बदतमीजी से बात कर रहा है। तो सेम हमारी जो इमोशनल ब्रेन है, वो एंगर जो है वो हमारी ब्रेन को हाईजैक कर लेता है, और ये सेम रिफ्लेक्सेस शुरू हो जाते हैं, बट दे डोंट वर्क नाउ। इसीलिए मैं आपको कहती कि जो हमारा दूसरा एक गिफ्ट जो है, जो हमें भगवान ने दिया है, वो है कॉन्शियसनेस। तो उस समय हमें थोड़ा और कॉन्शियसनेस अगर हम लगाएं और सोचें कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या चल रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है, एंड दैट्स द टाइम टू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस। बट अगर हमें इमोशंस ही नहीं होते, तो आप सोचिए कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें लाइफ में चाहिए क्या है। तो ये भी बताइए कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो सिमिलर सिचुएशंस में दूसरे लोगों के मुकाबले कैसे बिहेव करते हैं? तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत वेल डिफाइंड सेट ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज है, ये कोई वेग या एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है। तो सबसे पहला जो जो कला है इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि किसी भी स्थिति में या किसी भी सिचुएशन में
व्हाट एम आई फीलिंग और व्हाट एम आई बिगिनिंग टू फील, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्या क्या फीलिंग्स मेरे में उत्पन्न हो रही हैं। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि आपकी अभी अभी शादी हुई है और आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने आपसे बहुत जोर के उन्होंने आपसे ना हाँ गुस्से में कुछ बोल दिया और आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है आपके घर में कभी भी आपके फादर ने या जो बाकी यू नो अडल्ट्स हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं या मैन हैं, किसी ने किसी से कभी यू नो एक गुस्से में और हाँ चिल्लम चिल्ली नहीं की, तो आप कैसा फील करेंगे। तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपको दुख हो, यू फील सैड, आप हर्ट फील करें, आप डिसअपॉइंटेड भी फील करें और आपको गुस्सा भी आए कि कैसे इन्होंने मेरे से ये बात की, तो आपकी जो इमोशनल ब्रेन है वो पूरी ब्रेन को हाईजैक कर देगी और हो सकता है कि आप भी वापस उनके ऊपर चिल्ला दें, राइट। और फिर क्या होगा, एक एक कॉन्फ्लिक्ट साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आपने चिल्लाया, उन्होंने वापस चिल्लाया और फिर क्या होगा, रिलेशनशिप में कई बार एक दरार सी आ जाती है। पर इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको सेल्फ अवेयरनेस के आगे सोशल अवेयरनेस पे भी जाना पड़ेगा कि ये जो आसपास लोग हैं या ये जो मेरे हस्बैंड हैं जो ऐसे कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, व्हाई इज ही शाउटिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम। सो बीइंग एबल टू सी नॉट ओनली इमोशंस इन योर सेल्फ बट रीड इमोशंस इन अदर्स। फिर सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस के आगे इट्स ऑल्सो अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान होगा वो मौका ढूंढेगा कि चलिए अभी हम बात करेंगे तो शायद बात और ख़राब हो जाएगी, पर मुझे भी शांत होने की ज़रूरत है, सो आई विल टेक सम टाइम आउट, मैं सोचूंगी इसके बारे में कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे कैसा फील हुआ, और फिर मैं एक मौका ढूंढूंगी कि जब वो भी ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में हो, जब वो ज़्यादा रिसेप्टिव हो, राइट, और उस समय उनसे बात करके ये बातचीत की जा सकती है कि ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और यू नो डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो हमारे व्यूअर्स से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करिए, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए जिससे वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सके। ये हमने देखा है कि जब भी हमारी लाइफ में स्ट्रेस होता है, राइट, तो जो स्ट्रेस होता है उसके यू नो उसके इफ़ेक्ट के अंदर लोग कई बार बहुत इमोशनली अनइंटेलिजेंट चीज़ें कर जाते हैं। तो अगर आपने सही मायने में अपनी लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई करना है तो आप अपनी लाइफ को रिव्यू कीजिए और देखिए कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसे मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। हमने ना कुछ प्रोग्राम्स किए थे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और उसमें हमने उनको बोला चलिए आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए जिसमें यू नो कुछ अच्छा नहीं हुआ आपके साथ या कुछ ऐसा हुआ और आप विश कर रहे थे कि ऐसा ना होता तो अच्छा होता। तो एक लड़की थी, उन्होंने खड़े होके बताया, उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ तो आज ही हुआ, इतने दिनों बाद कॉलेज की छुट्टियों के बाद हम लोग आए कॉलेज और मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए। तो मैं बैठी हुई थी और मैंने उनके लिए अपने साथ जगह खाली रखी हुई थी, पर वो आई और उन्होंने वो बेंच पे ऐसे अपना बैग फेंका कि यू नो ऑलमोस्ट मुझे लग गया, लगा नहीं पर मुझे लग सकता था और मुझे काफ़ी चोट लग सकती थी जैसे जिस तरीके से उन्होंने फेंका, राइट। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से मेरे से बात की, आपने क्या किया, कहती मुझे बहुत गुस्सा आया कि यू नो हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दिस, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बर्ताव करने के लिए और मुझे बहुत दुख भी हुआ। तो आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने वापस उन पे चिल्लाया और मैंने उनको समझा दिया कि हाउ डेयर यू। तो अब क्या हुआ है, कहते हैं अब 3-4 घंटे हो गए और मैं सोच रही हूँ कि लड़ाई किस बात पे हुई। और यही वक्त है जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई भी कर सकते हैं। हमने कहा चलिए क्या हम लेट्स एक्सप्लोर कि क्या आप किसी अलग तरीके से सोच सकते थे इस सिचुएशन के बारे में, कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उन्होंने बड़े प्लान्स बनाए थे छुट्टियों में कि ये करेंगे वो करेंगे मेरे घर आएंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उन्होंने उन्हें कहीं पे भी जाने नहीं दिया, वो उनको फ्रेंड्स को भी घर पे बुलाने नहीं देते। तो हाँ मैं सोच सकती थी कि आई होप सब कुछ ठीक है, उनके पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो रहे, उनको यू नो बहुत कंट्रोल करके तो नहीं रख रहे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते तो आपकी फीलिंग्स कैसे चेंज होती। तो उन्होंने कहा हाँ अगर मैं ऐसा सोचती तो आई वुड हैव रादर देन बीइंग एंग्री एंड हर्ट एंड लेट डाउन आई वुड हैव फेल्ट कंसर्न्ड वरीड क्यूरियस। यानी कि दूसरा जो हमारे साथ रिएक्ट कर रहा है उसको हम जजमेंट पास करने की जगह एक बार उसको समझने की भी कोशिश करें कि वो वैसा बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जो हम सोचते हैं वो हमारे फीलिंग्स को इम्पैक्ट करता है और जो हम फील करते हैं हमारे जो इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं भावनाएं होती हैं वो हमारे एक्शंस को इम्पैक्ट करता है कि हम क्या चूज़ करते हैं। अगर हम अपनी सोच को बदल सकते हैं तो वो हमारी भावनाओं को बदलता है और हमारी जो भावनाएं अगर जब बदल जाती हैं तो वो हमारे एक्शंस को भी बदल देता है। बड़ा अच्छा तरीका है अपने इमोशनल इंटेलिजेंस अप्लाई करने का कि आप ये सोचें कि मैं सोच क्या रही हूँ
और क्या मेरे पास और विकल्प है सोचने के लिए, क्या मैं कुछ और सोच सकती हूँ। ये जो थिंक फील और एक्ट है, इस स्पेस में आप अपनी पूरी लाइफ को बिल्कुल बदल सकते हैं। तो ये तो बात हुई सेल्फ मैनेजमेंट की, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसी रिलेशनशिप में होते हैं जहां सामने वाले को इमोशनल इंटेलिजेंस अप्लाई करना नहीं आता। इसकी वजह से, दूसरे के बिहेवियर की वजह से हमें बेवजह का स्ट्रेस होता है। इसे हम टॉक्सिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं और कभी कभी तो बात इमोशनल अब्यूज तक पहुंच जाती है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को और इमोशनल अब्यूज को कैसे हैंडल करें, इसी बारे में होगा हमारा इस 3-पार्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो आपको ये संजोली ने इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, उनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। आप एम्पावर्ड होंगे तभी तो देश सशक्त होगा। स्टे स्ट्रॉन्ग। जय हिंद।